जाट होने से फर्क नहीं पड़ता, गुजर होने से पड़ेगा, हाउसा होने से फर्क नहीं पड़ता, और मुसलमान होने से फर्क नहीं पड़ता मुझे तो सच में। पर ये अगर हमारे धर्म के साथ करेगा तो भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं है। हमारे आगे करके दिखा दो, इतना ही जोर है तो हमारे आगे ले, मैं यहां खड़ा रहूंगा, इसने तार के दिखा दो। गुड मॉर्निंग जी, अरे एसी किसने बंद कर रखा। गुड मॉर्निंग जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। भाई सुबह सुबह होगा था मैं लेट आने में, मतलब मैं पहुंचा था सुबह 7:30-8 बजे और फिर मैं सो गया। फिर शाम ना खुली मेरी अब निकल लिया अपने मैं मिशन पे, जो तुम्हें पता है रोज एक मिशन पे निकल जाता हूँ ना मैं, जहाँ मेरी फॉर्च्यूनर खड़ी थी वहाँ पे किसी ने वो निकाल दिया उसका क्या कहते हैं जो फ्लैग कवर होता ना, ब्लैक कलर का जो मेरा कवर था, वो बड़े चोर बंदे यार फ्लैग कवर भी चुरा रहे हैं। ऑल दो मैंने भी कहीं से चुराया था, मतलब कह के लिया था कि भाई यार मेरे तो देवे, चुराया नहीं था, पर कोई दिक्कत नहीं अभी तो निकल लिया भाई। और अपने कस्टम गैराज जा रहा हूँ अभी, कटारिया वगैरह सारे भाई आ रहे हैं, एक नई कार्रवाई करनी है आज अपने को, बताता हूँ क्या कार्रवाई होगी भाई। हमारे गम में तो देख लो तुम क्या तगड़ा सनसेट दिख रहा, देख रहे हो गम में तो कभी यहाँ तो सामने गड़ी में तो निकले ना, बिल्कुल सामने तो सूरज लै भाई, दिस इज बेस्ट, यही पता लग रहा कभी सामने ही बेस्ट है, प्यारा लग रहा। पर जो भी है कोई नहीं, उधर से कटारिया तो पूछता हूँ कार आएगा साड़ा। झूठे की बात सुनना, झूठे की बात सुनना भाई, देखे क्या बहाना लगाएगा। अब तो 4 मिनट आ रहे, एक गाना के हिट होगा भाई यार का, फोन भी नहीं उठाते, कोई बात ना भाई, टाइम टाइम की बात है। कटारिया साइड एक मिनट रुको, दूसरों को करता हूँ जरा, दूसरे लोगों को अलग से शूट। ये कौन है कटारिया ये तू? हेलो हेलो, निकल रहा हूँ घर से। साढ़े अब तो नहाड़ बड़ा तू। नहीं नहीं नहा के निकल लिया। हाँ तेरे मग्गे बाल्टी की आवाज ना बता मुझे। शावर साढ़े मग्गा बाल्टी तो ना हो तुम, शावर कब तक आगा थारे घर में? ठीक है और मैं कितनी देर में आ रहा? बस भाई नहा के निकल लिया यार, तू एक घंटा लेगा यार, मैं पहुंच लिया। हाँ अभी कहाँ हूँ अभी, मैं भाई कस्टम गैराज के गेट पे। माँ कसम खा। हाँ कसम था भाई अपनी, उससे खत्म खा जा धंधे की दन। अरे यो कैसी कसम उठवा वे तू, अरे पहुंचने वाला हूँ 10-15 मिनट में, आ जा यार। भाई ना आएगा तू तो साढ़े बड़े झूठ बोला है भाई, तुम झूठ बोल रहे हो यार। कम से कम मैं अपना मग्गा वग्गा लेके नहा तो ना रहा साढ़े, ये लेडी ड्राइवर है क्या सामने? भाई तुम लोगों को पता है लड़का लड़की में डिफरेंस क्या होता? लड़कियां जो होती है ना, लड़कियां मेरे हिसाब से जहाँ तक मैंने देखा, और ये मत समझना कि मैं भाई लड़की जात से ही नफरत करता हूँ, जहाँ तक मैंने देखा है लड़कियाँ ना लड़कों को समझती नहीं है यार, जो एक बारी को साड़ा लड़का समझ लेगा पर लड़की नहीं समझती। उन्हें ये नहीं पता होता कि भाई आदमी की जिंदगी में बहुत दिक्कतें होती हैं, बहुत परेशानी होती है, बहुत काम होता है, समझ रहे हो, बहुत दिक्कतें होती हैं और वो लोग दिखाते नहीं हैं। लड़कियों का दो बार रोई बुरा मत मानना, लड़कियां फिर भी एक्सप्रेस कर देती हैं, लड़के एक्सप्रेस नहीं करते, समझ रहे हो ना। तो यार चलो ये तो ह्यूमन नेचर है लड़कियों का, ऐसा ही है कि भाई ना चीज़ समझनी ना कुछ टाइम देखना, कंप्लेंट कर दी तो हम तो सिर्फ कह ही सकें, भगवान तो है ना भाई जो पूरी वो चेंज कर देंगे, क्या कहते हैं उसको, जो पहले से बन के आती, दिमाग किसी का चेंज नहीं होता। फिर भी यार लड़कियों को थोड़ा समझना चाहिए ना कि भाई लड़के इतनी मेहनत, ऑल दो लड़कियां भी करती हैं मेहनत, मेरे को तो वो लड़कियां बहुत अच्छी लगती हैं भाई जो बहुत काम करें। पता है मेन रीज़न अगर कोई लड़का लड़की लड़ाई कर रहे हैं या फिर किसी भी उसमें लड़ाई बज रही है, उसका मेन रीज़न क्या होता है? लड़ाई वो इंसान करता है जो खाली होता है। अगर तुम पे काम होगा ना तो तुम्हारा दिमाग होगा ऑक्यूपाइड कि भाई हम तो ये काम निपटाना, तुम्हारी प्रायोरिटीज़ थोड़ी अलग होंगी और तुम ये समझ पाओगे कि अगला आदमी जो काम कर रहा है उस पर क्या बीत रही है। अब एक साइड आदमी काम कर रहा है, औरत खाली बैठी है, वैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, ये मत सोचना कि भाई मैं सब औरतों को कह रहा हूँ, काम करती हैं बहुत औरतें, रिस्पेक्ट करता हूँ मैं उन चीज़ों की, ठीक है, कि एक साइड आदमी बहुत काम कर रहा है औरत कुछ काम नहीं कर रही, तो औरत का दिमाग होगा भाई साहब खाली, उसके दिमाग में क्या आएगा, यही आएगा लड़ाई झगड़ा, ये नहीं करा तुमने वो नहीं करा, ऐसे नहीं होता वैसे नहीं होता। अरे दादी वो तो देख ले, पर आदमी काम कितना कर रहा है, उसके दिमाग में 100 टेंशन है, उसके सिर पे कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। अगर ये अंडरस्टैंडिंग लेवल हो जाए ना, सारा समझने लगे हर औरत हर आदमी को, भाई माँ कसम जिंदगी वो हो जाए स्वर्ग। इधर इंद्रदेव बैठे हूँ, इधर कोई से देव बैठे हूँ, ऐसे जिंदगी हो जाए
सो ऑल द लेडीज आउट देयर, थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बन जाओ, समझ रहे हो ना। कई लेडीज तो अब हेट करेंगी मुझे, एल्विस साड़ा मिसोजिनिस्ट हरामी हैं, हमें समझा रहा है, हमें बताएगा क्या काम करना क्या नहीं करना, हम चाहे खाली बैठे हैं चाहे हम रोवे पीटे, तुझे क्या एल्विस। हाँ वैसे ये भी है, मुझे क्या है, फिर भी मेरा ब्लॉग चैनल है तो मैं बोल सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। तुम्हारे पहिए देख रहा हूँ, ₹11,000 मजेदार सिस्टम भाई, यो नार डोगरे करिए भाई ने पेंट, समझ रहे हो, दिस इज पेंट। और अपनी वाली पे होगा वो पीपीएफ या फिर रैप होगा जो अंदर भाई के पास रखा, पर अभी मैं छोड़ नहीं रहा गाड़ी, अभी काली है, नाडो ग्रे हो जाएगी भाई, इन कह रहा मैं बिग्रे करवाऊंगा, मैं तो अभी रहने दे, नीली रहने दे, पर कोई दिक्कत ना है अभी तो। मैं कह रहा हूँ बहुत दिन बाद मैंने देखी लेजेंडर, फॉर्चुनर ज़्यादा दिखा आजकल मार्केट में, लेजेंडर हो रखी है, यो भी तगड़ी लग रही है भाई, ऐसी थी मेरी पहले, यो भी अच्छी लग रही है यार, पर कोई नहीं, एक्सपेरिमेंट बहुत ज़रूरी है जिंदगी में। गाइस आज नई जगह आए, गाइस गैस करो कौन सी जगह है, ले भाई ओए ओ अच्छे, वो सोने आता है क्या तू इधर, अच्छा तो वो बैठा के जैसे क्लासरूम में ना बैठा देगा बाल को, हेड डाउन करवा, मैम सर में दर्द हो रहा है, मैम मैं पुट माय हेड डाउन, आंख दिखाई और अपनी आंख दिखाई, नशेड़ी साड़ा ना मेरा, अरे बड़ा स्टार है, रातों शूट पे बिजी होगा सर, आप बिजी थे कल रात में, बग्गा शूट छोड़ गए और इनकी तो लड़ाई बच गई सुबह सुबह उसकी और कटारिया। अच्छा सुनो एक एक्सप्लेनेशन सुनो भाई, कटारिया एक घंटा सोया मैं पूरी रात जागा, एक लेटता भी नहीं, अरे रुक तो जाओ, मैं जब कटारिया छोड़ था ना, मैं अली भाई के साथ था, जब मैं जाके सोया ना वहाँ जाके यूँ कर रहा है कि लग से तो सोता रहता है, बताओ सुबह 5:30 बजे सोया मैं, ऐसे कौन रहेगा तेरे साथ, मैंने ये नहीं कटा दिया मैं तो कुछ कहता ही नहीं इनको भाई, कुछ करें कैसे तो है भाई। हाँ जी हाँ, क्या कहती भाई, मार है यार अर्चित, क्या मारूँ मैं, बस क्यों अर्चित नहीं करेगी तूने वो पहन रखा जो मैंने कल पहन रखा था, ये भाई आए हमारे क्रिकेट मैच वाले एक्सपर्ट एनालिस्ट, नारियल पानी की शर्त लग रही है, इस ओवर में विकेट आएगी ना आई भाई, विकेट दिल्ली जीतेगी, चलो भाई दिल्ली, मैंने तो दिल्ली दे रखी टेलीग्राम पे, पब्बी मेरी उम्र ने आनी, ये देखो गाइस कैप्टन अमेरिका ना, ये एरो जो है तूने देख के क्या मजा आवे तुझे उस साइड देखने में, किसको देख के, अरिजीत को, आप भी हंसा रहे थे, हमें दुनिया दिखा, वो कहां खाती है इधर, हमें तो दुनिया दिखावे। गाइस एक छोटी सी बैड न्यूज है और एक साथ में बहुत बड़ी बैड न्यूज है, मैं कह रहा हूँ जो ब्लेड ब्लेड वाला सिस्टम, ये देख भाई, ये तो जबरदस्ती पार्ट रखा, जबरदस्ती पार्ट रखा, तो तू तो मत छुटा, रुकना एक बार लक्ष्य यार, ठीक है मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, ये देखिए यहाँ तक का छुटा रखा है साड़ा, ये देखिए यो का मार रखा, पूरा सिस्टम मार रखा, अबे क्या ब्लेड लेके चल रही है क्या पब्लिक, हाँ वो तो अभी मेन चीज तो देखो क्या क्या हुआ है हमारे साथ। गाइस एक बैड न्यूज है, बैड न्यूज तो क्या है मतलब की क्या बड़ी न्यूज हो ही नहीं सकती, मतलब इससे बड़ी न्यूज क्या ही होगी, बड़ी न्यूज नहीं मतलब बेसिकली ये हुआ है भाई, किसी ने अपना वो करा है कि तुम ये करोगे तो हम ये करेंगे, सिंपल ही है, ये देखो, और ये क्या लगा रखा है, ये जनता का, ये तो मिट्टी है, वो लग रहा है आक्रोश मुझे, हैं आक्रोश, अबे किस चीज का आक्रोश, जनता का आक्रोश नहीं, अबे आक्रोश वाली बात है, छिड़न वाली बात है, या तो साफ साफ जनता तो हमारी हिंदू ही है, अरे ये क्या बात है, जनता हिंदू है, अरे तो हमारे वाले बंदे थोड़ी ना करेंगे भाई, हिंदू मुस्लिम वाली बात नहीं है, तो कौन ही भाई है। जिसने ये हरकत जो है ना, ये हरकत बर्दाश्त नहीं है, ये साड़े बेसक ये पूरा पार्ट दो, ये साड़ी ये वो एंटी इंडिया ही है, वो तो ना
देखो ये वाली हरकत देखो गाइस, ये जो चीज हो रखी है ना ये सहन नहीं होगी, ये फिर भी सहन हो जाएगी कि ये रैप पड़... चल तेरा तार दिया मेरा दिखा एक में, असली तो वहां है ना सिस्टम जो लिटरली पोत रखा है। एक बार कैमरे चेक करवा, कटर सा तो हमेशा बुरा होता है, कटर सा तो हमेशा ज्यादा बुरा होता है, एक्सेप्टेबल ही नहीं है ये, दूसरी बार हो रहा भाई। जब जब हमने कुछ बोला पिछली बार ये हटा नहीं था, अरे क्या रह गया यार, अब ये पूरा ने पूरी ये खराब कर दिया, समझ रहा मैं, अब ये पूरा ये पूरा क्या क्या सेट है, अब ये दोबारा लगवाऊंगा तो सही, मैं दोबारा नहीं ये पूरा हटके लगेगा ना भाई। अरे ये देखियो ये पूरा वो वाला कर दिया, साफ होगा ना, इस पे देखिए पूरा खराब कर दिया नसाड़ों ने। एक मिनट रुक, ब्लेड ब्लूड होते हैं इस पे, क्या कम आ रहा, किस चीज से उतरा है, हाथ से उतरा है, हाथ से तो कैसे उतर सका भाई, हाथ से उतर तो गया। अरे ये दूसरा वो रहती है फिल्म वाली रहे वो चेपती है ना, तो किससे उतरी है फिर ये, साढ़े क्या खुरपा मारा है क्या, खुरपे से ऐसे नहीं होता भाई साहब, ये क्या हो रहा है आपके खोपचा के आगे, जो भी कर रहा ना ये धर्म के साथ बिल्कुल मत करो यार, और मतलब गाड़ी में आगे कर रहा है भाई, कैमरा तो है ना हम पे, कैमरा है बस, सिटी कोई दिक्कत ही ना, पकड़ ले इतनी रेंज आ जाएगी, पर यहाँ रेंज नहीं आएगी कैमरे यार, ना ना देखेंगे अभी रुक जाओ, वो दिखाओ पहले वो सिस्टम, ये तो यार ये धर्म के साथ नहीं करना चाहिए भाई, भाई जो भी है जितने भी लोग देख रहे हैं जो कर रहे हैं मैसेज तो पहुंचता ही होगा उनके पास भी, गाड़ी में और तू वो ये पार्ट ले सीधा सीधा पार्ट ले, मैं बता देता हूं हमने केला साथ नहीं, इसके साथ नहीं, ये पता है जिस दिन को ठहरा गया ना ईमानदारी बता रहे हैं हमारे धर्म का जो मजाक करेगा उसकी मतलब ऐसी खालो उसकी उधर ही जाएगी, ऐसे ऐसे जैसे मैं तो ये कह रहा हूं भाई, पीठ पीछे चलो तुम ये करके कि भाई हम नहीं थे कोई भी नहीं थे, हमारे आगे करके दिखा दो, इतना ही जोर है तो हमारे आगे ले, मैं यहां खड़ा रहूंगा, इसने तार के दिखा दो, इसने छोटे तुम रैप ही तार के दिखा देना, ये बार क्या रैप रूप से मतलब मुझे चलो ठीक है नुकसान है बुजुर्ग है, बट धर्म के साथ किसने कहा ना भाई, जैसे इसकी मतलब हमारे धर्म के मतलब धज्जे उड़ा रहे ना, ऐसे ईमानदारी बता रहा हूँ भगवान कसम उसकी हड्डियां तोड़ जाएगी, धर्म तो भाई हर धर्म को रिस्पेक्ट करना चाहिए, ये तो गलत करा जिसने करा है ना, हम किसी को गलत नहीं बोल रहे भाई, ये क्यों कर रहा है, सुनता ले केरला स्टोरी पे बोल लिया उनकी फटकी, अब इसका मतलब तो ये है भाई, अपने फ्री वर्ल्ड में अपने ओपिनियन भी दे सकते, साफ सीधी बात तो ये कहना चाह रहा हूँ, हम रहे हैं ऑनेस्ट, ये एक चीज बताओ ये उतर नहीं सकता ये हाथ से, नहीं उतर सकता भाई, ये ब्लेड से भाई ये हाथ से नहीं उतर सकता, ये रैप भी अभी पाड़े इन्होंने, हाँ ये रैप भी पाड़ दिए ये मेरी, भाई मैं मेरे लेके पूरी गाड़ी का रैप पाड़ दूं, मुझे कोई अफसोस नहीं है, ईमानदार से मुझे अफसोस नहीं है, इस चीज का तो दुख है ना, गाड़ी ठोक जाते नहीं होता था ना, अच्छा ईमानदार से तू तो ब्राह्मण आदमी है, कटारिया जाट है, ब्राह्मण वाली बात नहीं, नहीं ब्राह्मण जाट और यादव तीन भाई खड़े हैं ठीक है, एक गुजर और कमी अपने हरियाणा सबसे बड़ी यही है, तीन चार बाकी 36 बरादरी जो है, हमें किसी से जाट होने से फर्क नहीं पड़ता, गुजर होने से पड़ेगा, आउसा होने से फर्क नहीं पड़ता, और मुसलमान होने से भी फर्क नहीं पड़ता, मुझे तो सच है, पर ये अगर हमारे धर्म के साथ करेगा तो भाई मेरे को बर्दाश्त नहीं है, सच्चे बता रहा हूं भाई, किसी को बर्दाश्त नहीं है भाई, ये इधर तो दिखाओ ये दो, इसकी तो देखो, इसकी तो अभी नोटिस ही नहीं करी, अब मिट्टी से ये कैसे हो गया भाई, इधर भी है तो पूरी गड्ढी पे, ये कैसी मिट्टी है भाई, ये वाली मिट्टी थोड़ी है, ये उठा के मारी मेरे ख्याल से गीली कर, अबे गेट भी गंदे कर रखे भाई, अबे तेरी तो गाड़ी गंदी कर रखी है, मोड़ दिया क्या आपकी गाड़ी पे दोबारा भाई, कदे को सुसू कर जावे, कदी देख इधर तो देख भाई, ये क्या चीज, ये चीज तो पहले पता करो, वो बर्तन आया कैमरे में देखते हैं, सीमेंट यू नहीं कर रहा, सीमेंट ही कर रहा, जम जाएगी पूरा रैप उतरेगा, हटा भाई इसको, हटा ले पूरी गाड़ी गंदी कर रखी है भाई, कटा रही है गाड़ी, तो मैं एक लड़का भेजता हूं साफ कर देगा, यही तो वॉशिंग पे भाई, ये क्या बला है, नई चीज आई है ये तो मार्केट में भाई, ये तो सीमेंट है, सीमेंट घेरेगा बेटा, इसने धोवा ले जल्दी, मैं आगे से ना गार्ड रख लेगा, मतलब गलती हमारी भी है, केरला स्टोरी के बारे में मैंने कुछ परली साइड को गलत थोड़ी बोला, मैंने तो बोला कि अपनी साइड के बंदे भाई कन्वर्ट मत हो, थोड़ा ध्यान रखो इन चीजों में, अवेयर रहो, तो उसमें आइडियोलॉजी वाली बात है, अब हमारे सामने कोई हाथ लगा दे, आइडियोलॉजी में हमारे धर्म को नुकसान क्यों कर रहे हैं भाई, तुम अपने धर्म, मुझे तुम्हारे कोई भी, मुझे किसी के मुस्लिम होने से कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम पंजाबी हो मुस्लिम हो क्रिश्चियन हो कोई और धर्म एक्स वाई जेड फॉलो करो, बट हमारे धर्म को नुकसान क्यों पहुंचा रहे भाई, भाई यही तो दिक्कत है ना, एक चीज और पता लगी कि भाई जो भी है जैसे हम खोपचा आवे तो ऐसे तो हम भी सेफ ना, उन्हें पता खोपचा तो आवे तो मतलब खोपचा है तो मतलब उनका बाप का खोपचा,
सेफ नहीं, नहीं मतलब वैसे नहीं, हमारे ही जगह में खड़े होके हमारे सारा मतलब जहाँ हिंदुत्व में वर्चस्व है मेरे ख्याल से रेक की कर रहा हमारा भैया रेक की नहीं वाली बात ना, डेली व्लॉग देखा है कि हम दो तीन जगह बैठे हैं ये वहीं जाऊंगे रोज रात ने शाम ने और वहीं पाके करनी है सिस्टम किसी धर्म के बारे में हम फालतू बोलते नहीं और अपने धर्म के बारे में हम सहते नहीं और सुनते भी नहीं भाई, पर ये या भी ये तो चलो दोबारा लग जाएगा उसमें कोई बात नहीं है। मेरे पास सुन अभी वो कैमरा देखते हैं, अगर देख एक कैमरा तो वो लगा हुआ है सामने हाँ। पर वो उसका एंगल इधर है, दिक्कत ये है अगर तू यहाँ भी लगा दे ना इधर तो यहाँ सारा तो गाड़ी खड़ी थी जब माया उस टाइम पे पार्किंग फुल थी भाई। मैं तो कह रहा हूँ जिसने भी फाड़ा है भाई कल आ जाइयो, कल भी यहीं मिलेंगे और जोर होना फिर से फाड़ दे इसको हाथ में। सेम टाइम सेम जगह अगले दिन इसकी गाड़ी, इस सीमेंट फेंकण का सिस्टम समझना इसकी गाड़ी में तो सीमेंट है क्या वैसे मेरे ये तो देखना भाई कुछ अजीब सही है भाई इतनी हेट मैंने नहीं देखी भाई ऐसा लेप पाया पकड़ के ऐसे करके लेप के चले गए इतनी हेट कोई फायदा नहीं मेरा आगे भगवान कसम मेरी तबीयत खराब है इसलिए मैं ज्यादा ना बोल नहीं पा रहा ना मेरा आगे तुम खटक जाओ ना ये गाड़ी का नू हाथ लगा देगा कल बोल दो फिर में ज्यादा कूद है ना हिंदू स्टिकर हटाया तू कल आ जा सेम टाइम सेम जगह हम भी देख लेंगे अरे ठीक है ज्यादा मीटअप हो जाएगा फिर सब आ जाएंगे मिलने के लिए। मत करो गुस्सा तो कर ही नहीं रहा मैं तो ये देख रहा हूँ कि भाई लोगों की मेंटालिटी कितनी खराब है। हम तो सुन नाखून से उतरने वाला जुगाड़ नहीं, नाखून से नहीं उतरता ना तो ये रैप उतरता था नाखून से ना ये अपना धर्म का स्टिकर उतरता नाखून से। हम तो भाई सुनो तुम एक गाड़ी में फाड़ोगे हम 100 गाड़ी में लगाएंगे लिख के ले लो हम स्टिकर हमारी गाड़ी में अभी दिखा देता हूँ कितने रखे हमारे पास हम पूरा नहीं लगाएंगे भाई। सीसीटीवी और चेक करेंगे अभी कि सारी चीज आ किस साइड का एंगल आ रहा किस साइड का नहीं आ रहा सामने का आ रहा या नहीं आ रहा पीछे तक का वो और देखेंगे और रिकॉर्डिंग मिली अभी मिल जाएगी तो सही ना तो कल तो देखेंगे ही। और भाई ज़्यादा ढींग बनो गाड़ी के लिए सब हरकत करो हमारी गला उन्हें इस तक उतलो मत करो मत करो हत्या चढ़काना जोड़ सा भी फिर घर वाले शक्ल भूल जाएंगे। मैं इनको ये और बता दो कि अगर सिर्फ फोटो भी आ गए ना तो इतना जुगाड़ है कि तेरा घर भी पता लगा लेंगे और फोन नंबर भी और सब चीज़ पता लग जाएगी आगे बात समझ में। और गाड़ी का नंबर तो दिखो दिखा मत दियो गलती से हाँ गाड़ी का नंबर दिखा दो तो मैं खुद ही सर्च मार के बता दूँ कहाँ रहो। चलो कोई नहीं बस सीसीटीवी का और देखते हैं फिर करते हैं आगे। देखो भाई खोपचा से तो मैं निकल लिया विनय भाई के यहाँ से, मेरी थोड़ी तबीयत खराब हो गई थी मतलब आज पूरे दिन सो रहा था मैं फिर पेट में दर्द सा हो रहा था वो तो चलो कोई बात ना। एक चीज़ मैंने डीकोड करी कि हिंदू स्टिकर जब हम कसौल में थे एक बारी तब हुआ था उसके बाद इतने टाइम से तब से तो कुछ नहीं हुआ है। केरला स्टोरी के ऊपर मैंने वीडियो डाली जिसने नहीं देखी देखना मतलब वो तो मैं सदा से मेरी आइडियोलॉजी वही है मैं वही बोलते आ रहा हूँ कुछ अलग नहीं बोला सच्चाई बोली थी फैक्ट्स बोले थे। तो भाई उस चीज़ के बाद ये चीज़ हुई है और मैं 100% 1000% श्योर हूँ कि उसी चक्कर में ही जो जिसने भी करा ना ये क्यों करा ये तो मेरे समझ में आ गई। पहले भी लोग पीछे पड़ रखे थे गाड़ी के तो पीछे पड़े रहे मैं कोई कुछ फाड़ जावे कदे स्क्रैच मार जा कदे देखिए तुमने वो तो शुरू था कोई ब्लेड ब्लूड लेगा वह यार ये तो चलो हेट्रेड हो गई ब्लेड मार दी किसी ने रैप उतार दी ये तो हेट्रेड में आ गया कि नफरत है भाई एल्विस से तो आगे बढ़ रहा साड़ा है कैसे गाड़ी खरीद रहा है पैसे कमा रहा जो भी है छोटा मोटा ये तो चलो इन चीज़ों में आ गई ठीक है नो इशूज कर लो चीज़ें ठीक हो जाएंगी रैप हटा रैप लग जाएगा स्क्रैच लगी है स्क्रैच में वो पेंट हो जाएगा सारी चीज़ हो जाएगी। पर जो ये वाली चीज़ है ना ये गाड़ी से हेट्रेड के अलावा चीज़ है मतलब इसको ना मेरे हिसाब से मैं तो लाइटली लूँगा नहीं। अभी उसकी बात चल रही थी सीसीटीवी की भाई कह रहा कि एक बारी फुटेज मैं कल निकाल के रेडी रखता हूँ उस साइड के एंगल की आती हो तो या फिर साइड में किसी और के लग रहा क्यों खोके वाला है इनका ना खोखा है एक बार कल खोके वाला मतलब आज खोके वाला भी नहीं था तो ये भी एक दिक्कत होगी ये भी सही मौका मिलेगा तो क्या पता कल भी आए हों परसों भी आए हों कल आए हों पर खोके वाला बैठा उस टाइम पर ना कर पाए हों या फिर क्या पता और बंदे हों बाहर आज ही मैंने गाड़ी उधर लगाई नहीं तो गाड़ी ना मैं तुम देखते हो ना मैं बिल्कुल सीधा लगाता हूँ आके आज वहाँ पे भीड़ सी हो रखी थी मतलब और गाड़ी गुड़ी निकलने की जगह ना थी तो मैंने लगा दी वहाँ पे कौन है मैं कहा तो अपना भाईयर का ही खोपचा है यहाँ क्या दिक्कत है। पर दिक्कत मुझे पता लग गई भाई दिक्कत तो लोगों को है और बहुत गलत बात है मजाक से हट के कह रहा हूँ भाई देखो अपने धर्म के लिए हम तो खड़े रहते हैं एनी टाइम और आगे भी खड़े रहेंगे ऐसे नहीं कि छोटी सी ये चीज़ होगी वो हिंदू स्टिकर हटा दे हम पिछले भाई हमें कुछ मत कहना भाई हमारा स्टिकर मत हटाना प्लीज ऐसा कुछ ना हम तो भाई तब भी खड़े रहेंगे मैं बहुत पहले से वीडियोस बनाते आ रहा हूँ
जिसको नहीं पता भाई मैं हिट भी इसी चीज की खाता हूँ कि ये तो भाई ये करता है वो करता है, अरे कौन है, हाँ ये तो हिंदू मुस्लिम करता है ये करता है वो करता है, हेट भी मैं इसी चीज़ की खाता हूँ। और तुम ध्यान से कभी देखोगे ना भाई हिंदू मुस्लिम की मैं कभी कुछ नहीं करता, मेरे DOPs भी मुस्लिम है, मेरा एडिटर भी मुस्लिम है, मैं इन चीज़ों में हम उनके साथ भी खूब मजाक मस्ती करते हैं, वो अलग चीज़ है, वो समझते हैं कि मैं क्या बोलता हूँ क्या नहीं, मैं गलत को गलत सही को सही बोलता हूँ। पर हर जगह ना ऐसे तत्व होते हैं जिसने इनको बोलते हैं एक्सट्रीमिस्ट, मतलब एक्सट्रीमिस्ट आइडियोलॉजी वाले, जो सिर्फ मेरे लिए नहीं आप लोगों के लिए नहीं हमारे देश के लिए खतरा है, सही बताऊं तो, कि जिस देश में रह रहे हैं उसका अब इन, मैं क्या बताऊं, मैं बहुत सारी चीज़ बोल जाऊंगा, मेरे अंदर बहुत सारी चीज़ें पर मैं वो चीज़ बोलना नहीं चाह रहा, नहीं तो मेरे रीच भी बंद कर देंगे यूट्यूब वाले, ये थोड़े हैं मेरे खिलाफ, तो भाई सपोर्ट तो देखो मुझे आप लोगों का ही चाहिए, क्योंकि सारे प्लेटफॉर्म हमें तो भाई रोकने पर लगे रहते हैं कि साढ़े की रीच ना बढ़ जा, कुछ ऐसा डाल दो तो ऐसी चीज़ों को रोकते हैं, येलो डॉलर लगाते हैं, जो कश्मीर फाइल्स वाली मेरी वीडियो उसकी भी रीच रोक दी, नहीं तो वो भी जाती, और हमें तो पता है ना पीछे का, तुम तो सामने देख लेते हो कि भाई वीडियो आई है एलविस भाई की, तुम्हें पीछे का नहीं पता होता कि पीछे क्या क्या देखना पड़ता है, कहाँ कहाँ से रिपोर्टें पड़ती हैं, बहुत सारी चीज़ें पता है मेरे को, मैं सारी चीज़ डिस्क्लोज नहीं करता, बट कोई बात नहीं भाई, भाई ये एक मेरा स्टिकर फाड़नता है तो मेरा कुछ बिगड़ा नहीं है ना, स्टिकर दोबारा लग जाएगा, रैप दोबारा लग जाएगा, और मेरे जितने भाई देख रहे हैं ना हिंदू स्टिकर लगा लो फिर फाड़ के, कितनों का फाड़ोगे, कितनों का फाड़ लोगे, 100 करोड़ आदमी का नहीं फाड़ सकते ना, कोई बात नहीं भाई, मैं तो अपने घर निकल लिया, इसको लाइक कमेंट के लिए नहीं बोलूँगा मैं, पर शेयर जरूर करना भाई और फैलाना वीडियो को, ठीक है जी, राम राम भाई।